हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं तुम्बावत टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल तुम्बावत। आज अपन बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर रिमूव टेक्स्ट बिटवीन ब्रैकेट, यानी कुछ ब्रैकेट के अंदर डाटा लिखा हुआ है तो उसको रिमूव कैसे करेंगे। एक तो होता है विद एक्सेल फार्मूला और एक होता है विदाउट फार्मूला। सबसे पहले अपन एक्सेल फार्मूले से देखेंगे और उसके बाद अपन देखेंगे विदाउट फार्मूला इजी वे अपन बहुत इजी वे में कैसे कर सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला है जो आपका एक्सेल का जो मेन रूल और फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे जो फॉर्मूला मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि वो फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद विदाउट फॉर्मूला अपन कैसे देख कर सकते हैं बहुत इजी वे विद इन 5 सेकंड के अंदर। अगर लिस्ट ऑफ, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास लाइन ऑफ आइटम 2 से 3000 डाटा है, 2 से 3000 डाटा ये लाइन ऑफ आइटम मेरे पास है। अब उसके अंदर सब में लिखा हुआ है, सेम डाटा नहीं है, किसी के अंदर अलग है, किसी के अंदर 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, किसी के 4 डिजिट में, किसी के अंदर 5 डिजिट के अंदर है, बहुत सारा डाटा दिया हुआ है। तो उन सबको, और इसके अंदर बहुत कंडीशन है, देखिए आपके अंदर दो एक नॉर्मल कोष्टक के अंदर भी डाटा लिखा हुआ है, पर नहीं, मेरे को तो जो ये ब्रैकेट के अंदर डाटा लिखा हुआ है उसको ही हटाना है। तो उसको कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे बात करते हैं। फॉर्मूला मेरे पास अभी दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे अपन देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस कीजिए, SUB सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको इंडिकेट कर रहा है टेक्स दे दिया, कॉमा लगाई, उसके बाद मिड MID मिड का फॉर्मूला लगा दिया। मिड का फॉर्मूला लगाते ही आपको लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया। लेफ्ट का फॉर्मूला लगाते ही आपको वापस एक्स देना है, एक्स का कॉलम दिया, उसके बाद कॉमा, और फाइंड का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद फाइंड का फॉर्मूला दे, डबल कोट के अंदर जो ब्रैकेट आप ढूंढ रहे हैं उसी ब्रैकेट को देना है। कौन सा देना है, उसी ब्रैकेट को, जैसे मैं ये ब्रैकेट ढूंढ रहा हूँ तो इसी, उसके बाद डबल कोट दे दीजिए। डबल कोट देने के बाद कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाने के बाद आपको वापस वही टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट लिया, कोष्टक को 2 बार बंद किया, उसके बाद कॉमा लगाइए, और उसके बाद वापस फाइंड का फॉर्मूला लगाइए। क्या क्या लगाइए, फाइंड का फॉर्मूला लगाने के बाद डबल कोट के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट वाला ब्रैकेट देना है, पहले ब्लॉक वाला बंद वाला ब्रैकेट दिया था, अब की बार स्टार्ट वाला ब्रैकेट देना, उसके बाद डबल कोट लगा दीजिए। डबल कोट लगाने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगानी है, कॉमा लगाइए, उसके बाद टेक्स, ये देखिए आपको इंडिकेटर यहाँ पे कर रहा है, टेक्स का टेक्स लगा दिए, उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है और कॉमा लगा के लेन LEN लेन का फॉर्मूला लगाइए। लेन का फॉर्मूला लगाने के बाद वापस आपको टेक्स देना है, टेक्स देने के बाद कॉमा लगाइए और डबल कोट में खालिस्तान दे दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे डबल कोट लगाना था, यहाँ पे आपको लेन के पहले फॉर्मूले में आपको डबल कोट लगाना, जैसे ही आपने 5 का फॉर्मूला दिया तो यहाँ आपको 2 बार ब्रैकेट बंद करना है, 2 बार ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर लगा दीजिए, ये आपका फॉर्मूला लग गया। अब देखिए आपका ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसके बाद एंटर लगा दीजिए, एंटर लगाते ये आपका अलग हो गया। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, क्या करूंगा, ड्रैग कर दिया, ये देखिए ये टोटल ड्रैग हो गया, अब इसके अंदर से हट गया है। ये तो था एक्सेल का फॉर्मूला, ये देखिए एक्सेल के फॉर्मूले से था, ये क्या था, फॉर्मूला, ये देखिए आपके पास फॉर्मूला, मैं आपको देखिए ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला देखिए, ये पूरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप नोट करके लिख भी दीजिए, ये फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। ये तो था इस फॉर्मूले के द्वारा आपको ये अलग करना। अब मैं आपको इजी वे विदाउट फॉर्मूला बताऊंगा, क्या बताऊंगा, विदाउट फॉर्मूला। उसके लिए मेरे को ये डाटा मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर दिया, कॉपी कर दिया, उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाने के बाद इसको वैल्यू पेस्ट कर दूंगा, ये क्या करूंगा, वैल्यू पेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने वैल्यू पेस्ट करी, इसमें से देखो फॉर्मूला हट गया, जैसे मैंने वैल्यू पेस्ट करी फॉर्मूला हट गया, वो डाटा उधर ही रह गया इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगा, ये डाटा जो आपके सामने डाटा दिख रहा है,
ये डाटा आपको दिख रहा है। अब देखिए, अब मैं इस डाटा के अंदर इजी वे में विदाउट फॉर्मूला कैसे हटा दें। कंट्रोल फाइंड, कंट्रोल एफ, सॉरी कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए, कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए। अब आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसके अंदर क्या लिखना है, जो भी ब्रैकेट में डाटा आपका है, जैसे मेरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट में डाटा है, उसके बाद स्टार लगाना है। क्या लगाना है? स्टार। और वो जो ब्रैकेट के अंदर बताया, स्टार का मतलब जो भी आपका डाटा, स्टार का मतलब डाटा। अब जैसे मैंने ये ब्रैकेट लगाया, स्टार लगा दिया ब्रैकेट, स्टार से मतलब है डाटा। अब इसको रिप्लेस पे करना, क्या करना, रिप्लेस। रिप्लेस में फाइंड विथ ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट वन, यानी उस ब्रैकेट के अंदर डाटा है वो फाइंड करना है। और रिप्लेस किससे करना है, अगर आपको उससे किसी से रिप्लेस करवाना तो आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे मेरे को किसी से रिप्लेस नहीं करवाना, ना मेरे को स्पेस से भी रिप्लेस नहीं करवाना, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल। अब ये रिप्लेस वाले ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए मेरे सामने 2600, देखो लाइन ऑफ आइटम मेरे पास 2679 डाटा था। अब मैंने ओके करूंगा, अब देखिए ये हटाया। अब देखिए आपके सामने सेम टू सेम डाटा आपके पास मिल जाएगा, सेम टू सेम डाटा आपके पास। देखो ये डाटा आपका हट गया, सब कुछ आपका हट गया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर, अगर मेरे को इस ब्रैकेट के अंदर भी, इसमें भी, जैसे ये ब्रैकेट है इसमें भी हटाना, तो सेम टू सेम फाइंड वो ब्रैकेट लगा दीजिए, आपका डाटा हट जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दुम्भावत टेक्नोलॉजी YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ध्यान रहे कि क्या अपन को एक्सेल में कैसे ये चीज़ हटाया जाता है।